हेलो स्टूडेंट्स, 100KWS में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो हमने टॉपिक पढ़े थे इतने दिनों से, उनके क्वेश्चंस के बारे में कि किस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है हमारे पास, 6×10⁻¹⁵ मीटर त्रिज्या के गोले में 70 E आवेश को संचित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग 70 E चार्ज इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस। ये दे रखी है। देखो इसका क्या मतलब है, हमारे पास एक स्फीयर है, गोला है, बिल्कुल है सर, और इस स्फीयर या गोले की हमें रेडियस दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है हमारे पास आर। ये भी हमने पढ़ा रहा था। अब हमने इसमें क्या दे दिया, चार्ज दे दिया, आवेश दे दिया, और जो टोटल चार्ज या आवेश हमने इस गोले या स्फीयर को दिया है वो क्यू इक्वल्स टू कितना दिया है, 70 E दिया है। ठीक है, तो जब हम इतना चार्ज या आवेश इस गोले को स्फीयर को देंगे तो इसमें हमें कितनी एनर्जी चाहिए, इसे गोले या स्फीयर को चार्ज गिव कर रहे हो ना, दे रहे हो ना, तो कितनी एनर्जी चाहिए हमें, कितनी ऊर्जा चाहिए। ठीक है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका डेरिवेशन पढ़ाया था मैंने, क्या होता है गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ठीक है, जो स्पेयर होता है उसको चार्ज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती थी, बताओ जरा कितनी ऊर्जा चाहिए होती थी, उसका फॉर्मूला फाइंड आउट किया था हमने, कितना होता था, यू इक्वल्स टू 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना होता है, आर होता है। ठीक है, के की वैल्यू सब जानते हैं सर कितना होता है, 9×10⁻¹, वही जो हमने 12th क्लास में पढ़ी थी कूलाम नियम से, कूलाम्स लॉ के, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक या यूनिट होता है। मात्रक या यूनिट कैसे बना सकते हैं, एफ बराबर सब जानते हैं के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इसी को एफ को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, आर या दूरी को मीटर स्क्वायर में, और क्यू वन क्यू टू का यहाँ डिवाइड करोगे कूलाम स्क्वायर, के का मात्रक बना लेना, के की यूनिट बना लेना। क्यू की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 70 E, यानी 70, और ई की वैल्यू मैंने बताया था कितना होता है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है। 70×1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है। फिर ये आर हमारे पास रेडियस होती थी, त्रिज्या होती थी, इसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है कितनी, गिवन है 6.6×10⁻¹⁵ मीटर दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है सर। क्या करें हम, इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखो 3/5 के की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी, रख दी 9×10⁻¹⁹, और क्यू हमारे पास इतना है 70×1.6×10⁻¹⁹, इसका होल स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू 6.6×10⁻¹⁹। तो यू इक्वल्स टू क्या होगा, 3/5, 9×10⁻¹⁹, और ये स्क्वायर है, यानी 70×70×1.6×10⁻¹⁹, 1.6×10⁻¹⁹ अपॉन में आर आएगा, आर कितना है, 6.6×10⁻¹⁵ आ जाएगा। क्लियर है ये बात सर, बिल्कुल क्लियर है। अब भैया देखो इसको तो सोल्व करना आना चाहिए, इसको तो सोल्व करना आना चाहिए, हम तो सीधा आंसर बताएंगे, मैथ वाले स्टूडेंट हैं सारे। क्या होगा इसका आंसर जो आएगा एनर्जी या ऊर्जा का, वो 10.26×10⁻¹⁺ जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, 10.26×10⁻¹⁺ जूल आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए, देखो ऊर्जा या एनर्जी जो होती है, एनर्जी या ऊर्जा जो होती है उसकी यूनिट और मात्रक जूल भी होता है, जूल भी होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6×10⁻¹⁹ जूल के। अगर आपसे एनर्जी या ऊर्जा का यूनिट या मात्रक बोला है कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करो, तो ये तो जूल में फाइंड आउट हुआ है,
तो कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 जूल। तो जूल की जो वैल्यू आएगी ये डिवाइड कर दो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 इंटू इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इस जूल की जगह हम ये पुट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, U इक्वल्स टू 10.26 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 11 वन अपॉन 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू आती है 6.41 इंटू 10 रेस टू पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो आपको जब क्वेश्चन बनाना होगा ना, तो वो इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एन आइसोलेटरल ट्रायंगल विच ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो आप आइसोलेटरल ट्रायंगल बना लो, एक समबाहु त्रिभुज बना लो, ठीक है। ये दूरी या डिस्टेंस, इसकी प्रत्येक साइड कितनी है r, इसकी भी r और इसकी भी r, यानी R की वैल्यू हमें कितनी दे रही है, 10 सेंटीमीटर। और मीटर से जब हम मीटर में बदलते हैं तो हम कितने से डिवाइड करते हैं, 100 से। तो 10 अपॉन 100, तो मीटर 10 से 10 कैंसिल, तो 0.1 मीटर आ गया। क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, एट इट्स वन कॉर्नर प्रोटॉन, एक कोने पर, ठीक है, एक कोने पर प्रोटॉन, एक कॉर्नर पर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। फिर क्या बोल रहा है, एट सेकंड कॉर्नर इलेक्ट्रॉन, दूसरे पर इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड कॉर्नर है, कोना है, इस पर क्या मान लो आप, क्या सपोज कर लो, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वह तीसरे पर एक अल्फा कण स्थित है, एंड एट थर्ड कॉर्नर अल्फा पार्टिकल आर प्लेस्ड, तो थर्ड पर हमारे पास क्या है, अल्फा कण है, अल्फा पार्टिकल है, बिल्कुल क्लियर है। फाइंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तंत्र की कुल विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान ज्ञात करो, एंड कमेंट्स ऑन रिजल्ट, परिणाम पर टिप्पणी करो। तो देखो यहाँ पर आप सुनना, हमने सिस्टम या निकाय की बात करी थी, वो किसका सिस्टम या निकाय था, चार्ज या आवेशों का। ये जो तीनों पार्टिकल या तीनों कण आपको दिए हुए हैं ना, इन तीनों पर चार्ज होता है, आवेश होता है। देखो जो प्रोटॉन होता है उस पर आवेश या चार्ज कितना होता है, प्लस ई होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज या आवेश कितना होता है, माइनस ई होता है। और अल्फा पार्टिकल या अल्फा कण पर चार्ज या आवेश कितना होता है, 2e होता है। जब बहुत सारे चार्ज या आवेश को हम नियर ले आते हैं, पास ले आते हैं, तो हमारे पास कौन सी एनर्जी या ऊर्जा बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिति ऊर्जा बन जाती है। और यहाँ पर बताना ये कितने चार्ज सिस्टम है, कितने आवेशों का निकाय है, थ्री चार्ज सिस्टम, तीन आवेशों का निकाय है, ठीक है। तो इसके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी या स्थिति ऊर्जा कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा का, यू सपोज करो मैंने इसको क्या सपोज कर लिया, Q1, इसको क्या मान लिया, Q2, और इसको क्या सपोज कर लिया, Q3 कर लिया, बिल्कुल कर लेंगे सर। अब मेरे को ये बताओ, ये Q1 चार्ज आवेश और ये Q2 चार्ज आवेश, इसके बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा होती है, दो चार्ज सिस्टम में, टू चार्ज सिस्टम में दो आवेशों के निकाय के लिए पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा होती थी K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन R हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा, अब एक ये आवेश या चार्ज और एक ये आवेश और चार्ज ले लो, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी या स्थिति ऊर्जा K Q2 Q3 अपॉन R हो जाएगी। फिर ये चार्ज आवेश और ये चार्ज आवेश, इसके बीच में कितनी ऊर्जा या एनर्जी होगी, K Q1 Q3 अपॉन कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सारी क्या रख देते हैं, वैल्यूज रख देते हैं, लेकिन हम पहले इसमें से कॉमन ले लेते हैं। देखो K और R सब में है,
तो के और आर तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहां बचेगा क्यू वन और क्यू टू। क्यू वन की वैल्यू देखो कितनी है, प्लस ई है, और क्यू टू की वैल्यू कितनी है, माइनस ई है। प्लस क्यू टू की वैल्यू कितनी है, माइनस ई है। क्यू थ्री की वैल्यू कितनी है, प्लस टू ई है। क्यू वन की वैल्यू कितनी है, प्लस ई है, और क्यू थ्री की वैल्यू कितनी है, प्लस टू ई है। यू इक्वल्स टू के अपॉन आर, हमारे पास ई और ई, ये ई स्क्वायर हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर, और ये माइनस होगा ई इंटू ई स्क्वायर, टू ई स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, टू ई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करने पर हमारे पास क्या होगा, टू ई स्क्वायर से टू ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, टू ई स्क्वायर नेगेटिव, टू ई स्क्वायर पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। क्या बनेगा, यू इक्वल्स टू माइनस के आ रहा है, अपोन में आर आ रहा है, और ई का क्या हो रहा है, स्क्वायर होता है। क्या करते हैं हम, सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, रख देते हैं, और सारी वैल्यूज को रखेंगे तो बताओ क्या बनेगा हमारे पास। के की वैल्यू पुट कर दो, माइनस नाइन इंटू टेन रेज टू पावर नाइन। ई की वैल्यू पुट कर दो, 1.6 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस 19 इसका होल स्क्वायर, अपॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, 0.1 होती है। इसको आप सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये क्या आ गई, इस सिस्टम या निकाय की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, स्थिति ऊर्जा आ गई। और ये कैसी आ रही है, देखो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सी माइनस 23.04 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस 18 जूल आएगा। ठीक है, आंसर नेगेटिव में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव में आ रहा है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें कौन सी एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी है, बंधन ऊर्जा है। सर ये बाइंडिंग एनर्जी है, बंधन ऊर्जा क्या होता है, अरे इन चार्ज आवेशों ने एक दूसरे को क्या करके रख रखा है, पकड़ के रख रखा है, बाउंड करके रख रखा है, एक तरीके से बद्ध करके रख रखा है। इसलिए ये एनर्जी या ऊर्जा कैसी आती है हमारे पास, नेगेटिव आती है। इसके बाद हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ फिर हम करेंगे सोल्व। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन एन ए प्लस एंड सी एल माइनस आयन्स ऑफ एन ए सी एल मॉलिक्यूल इज 1 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम इट्स सेंटर। NaCl अणु के Na प्लस तथा Cl माइनस आयनों के मध्य दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, इसके केंद्र से 10 एंगस्ट्रॉम दूरी पर अधिकतम व न्यूनतम विभव ज्ञात करना है। विभव पोटेंशियल, क्या फॉर्मूला होता था विभव या पोटेंशियल का, विभव या हम पोटेंशियल की बात करते थे तो उसका फॉर्मूला होता था वी इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन क्या, आर स्क्वायर। फिर इसके बाद फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या थी, अधिकतम विभव की, अधिकतम विभव यानी कि क्या, मैक्सिमम पोटेंशियल की। मैक्सिमम पोटेंशियल या अधिकतम विभव के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती, 0 डिग्री, क्योंकि जब थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो कोस 0 की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 1, कोस की ये मैक्सिमम या अधिकतम वैल्यू होगी। तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल आता है, विभव आता है, वो क्या निकल के आता है, V इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। और सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, न्यूनतम विभव यानी कि क्या, मिनिमम पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। मिनिमम पोटेंशियल कितने पर मिलता था, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो कॉस 0, कॉस 90 रखोगे तो 0 हो जाएगा। न्यूनतम पोटेंशियल या मिनिमम पोटेंशियल, न्यूनतम विभव तो हमारा 0 ही आता था वहां पर, कितना आता था, 0। मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेते हैं, अधिकतम फाइंड आउट कर लेते हैं। अधिकतम के लिए क्या चाहिए, के चाहिए, के हमें पता है, आर और पी और चाहिए। देखो तो हमारे पास जो डायपोल होता था, द्विध्रुव होता था, क्योंकि ये पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डायपोल मोमेंट होता है, उसमें क्या होता था, एक तो हमारे पास होता था पॉजिटिव चार्ज और एक होता था नेगेटिव चार्ज, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश।
कुछ डिस्टेंस पर हो, कुछ दूरी पर हो, तो ये हमारे पास डायपोल बन जाता था, द्विध्रुव बन जाता था। और इसका जो सेंटर होता था केंद्र से, इससे r डिस्टेंस से, r दूरी पर हमारे पास एक पॉइंट होता था, बिंदु होता था, वहाँ पर हमें पोटेंशियल या विभव की क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू। तो ये प्लस और ये जो माइनस होता है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है कितनी मानते थे हम, ये 2L, तो 2L की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10^-10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10^-10 मीटर के। क्लियर है ये वाली बात। अब क्या कह रहा है कि सेंटर या केंद्र से 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी r की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10 एंगस्ट्रॉम यानी 10, 1 एंगस्ट्रॉम मीटर में बदलो 10^-10 मीटर, मीटर में बदलना है हमके सिस्टम में ना, तो 2a हो गया, ये हो गया। अच्छा p क्या होता है, r की वैल्यू तो सीधी सीधी मिल गई, k की वैल्यू 9 × 10^9, k की वैल्यू होती है 9 × 10^9, r की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, स्क्वायर है 10 × 10^-10 और 10 × 10^-10, क्योंकि स्क्वायर है। अब आप बस ये p की वैल्यू और फाइंड आउट कर लो, p क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आवेश होता है। क्या फॉर्मूला होता है, किसी भी एक चार्ज या आवेश का मैग्नीट्यूड या परिमाण और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसका इसका चार्ज या आवेश का मान कितना होता है प्लस का, 1.6 × 10^-19 और 2L इनके बीच के डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10^-10 दे रखी है सीधी सीधी। तो P की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, 1.6 × 10^-19 × 10^-10। बस अब आपको क्या करना है, इसको काटी पिट्टी करनी है, इसे सोल्व करना है, और जैसे ही आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर है। और इसका आंसर होगा 0.144 और इसका मात्रक या यूनिट होता है वोल्ट, और ये तो जीरो आएगा ही, क्योंकि होता ही है वो जीरो। मिनिमम या न्यूनतम कितना होता है हमारे पास, जीरो होता है, इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर है, ये डायपोल पर हमारा न्यूमेरिकल था, द्विध्रुव पर था। और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन, देखो हम तो इस क्वेश्चन का आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। देखो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, एससीएल अणु का द्विध्रुव आघूर्ण गिवन है, अणुओं के आयनों के मध्य दूरी ज्ञात करो, आयनों को मिलाने वाली रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 20 एंगस्ट्रॉम दूरी पर इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का मान फाइंड आउट करना है। द डायपोल मोमेंट ऑफ एससीएल मॉलिक्यूल इज इतना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द सेंटर एंड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द आयंस। देखो इसका क्या मतलब है, हमारे पास एक SCL अणु है, मॉलिक्यूल है, कौन सा है भैया, SCL है, यानी कि H प्लस है और Cl माइनस है। क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब एक पॉजिटिव चार्ज होता है धनात्मक आवेश, एक नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेश, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो हम क्या लेते थे, 2L। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बता देना जरा, क्या होता था डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, पी इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L। क्या बोल रहा है, एससीएल अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, द डायपोल मोमेंट ऑफ एससीएल मॉलिक्यूल, ये गिवन है, यानी किसकी वैल्यू दे रही है हमें, पी की वैल्यू कितनी है, 3.4 × 10^-13 कुलाम इंटू मीटर है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब एक पॉजिटिव चार्ज होता है धनात्मक आवेश और एक नेगेटिव चार्ज, तो Q की वैल्यू क्या होगी, किसी का भी एक मैग्नीट्यूड या परिमाण प्लस और माइनस चार्ज, 1.6 × 10^-19 कुलाम होता है। क्या बोल रहा है, अणु के आयनों के मध्य दूरी ज्ञात करो, ठीक है,
कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस, इन दोनों आयंस या आयनों के बीच की डिस्टेंस या दूरी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस या दूरी? 2L फाइंड आउट करनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस या दूरी कितनी होती है? 2L किसके इक्वल होगा? P अपॉन क्यू के। P की वैल्यू कितनी है? 3.4 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 30, और Q की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19। बस आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है, भाग देना है, इसका आंसर अप्रॉक्सी जितना भी आएगा आपका लिख देना 0.212 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 10 मीटर आएगा। क्लियर है? तो ऐसे सोल्व करना। आगे क्या बोल रहा है ये वो भी देखो। आयनों को मिलाने वाली रेखा पर दी ध्रुव के केंद्र से 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द सेंटर। ये देखो, ये है सेकंड कर रहे हैं हम। एक हमारे पास डायपोल में दी ध्रुव में एक माइनस चार्ज होता था, एक पॉजिटिव चार्ज होता था, प्लस और नेगेटिव। ये इसका सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। क्लियर है? इसी लाइन पर कितनी डिस्टेंस पर, 20 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर, 20 एंगस्ट्रॉम दूरी पर इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो यहां पर मैंने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, और डब्ल्यू बराबर से वी इंटू क्या होता है? क्यू होता है। V बराबर से क्या होता है? W इंटू क्यू होता है। क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है सर ये वाली बात। तो अब यहां देखो, जो वर्क डन होता है, कार्य होता है, वही हमारे पास क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। वही हमारे पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। बिल्कुल होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बनेगा? वी इंटू क्यू, वी इंटू क्यू, यानी Q इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस EV हो जाएगा। अब V क्या है? V यहां पर ध्यान रखना, इसी लाइन पर क्या होना चाहिए? पोटेंशियल होना चाहिए, विभव होना चाहिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है विभव का? V इक्वल्स टू पोटेंशियल का होता है KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। याद करो हमने इससे R डिस्टेंस पर पॉइंट P लिया था, यहाँ पोटेंशियल या विभव निकाला था थीटा एंगल पर, ये पॉइंट P यही होना चाहिए, यानी कि थीटा कितना होगा? जीरो, कोस जीरो की वैल्यू वन, तो के बराबर क्या होगा? के पी अपॉन आर स्क्वायर, यानी पोटेंशियल या विभव की वैल्यू क्या है? के पी अपॉन आर स्क्वायर। यू इक्वल्स टू माइनस ई, और वी की वैल्यू क्या होगी? के पी अपॉन आर स्क्वायर होगी। बिल्कुल होगी सर। यू इक्वल्स टू माइनस ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19, के की वैल्यू 9 इंटू 10 रेस टू 9। पी, पी क्या है? डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण, क्वेश्चन में ही दे रखा है, 3.4 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 13। और आर क्या होती है? डिस्टेंस या दूरी, जितनी दूरी पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, कितने बोल रखा है? 20 एंगस्ट्रॉम। तो 20 और एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर माइनस 10, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन सोल्व करना आना चाहिए, वो अब हम सिखाएंगे थोड़ी ना आपको, वो तो आपको आता है। कैसे आएगा इसका आंसर? 12.24 माइनस 12.24 के करीब आएगा, और 10 रेस टू पावर माइनस 22 जूल आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। क्लियर है ये बात? इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लेना।